हेलो फूडीज, रूपम खाना खजाना पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के साथ मटर पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मटर पनीर किसे नहीं पसंद, और अगर होटलों वाली मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो मैं घर में रखे कुछ सामानों से आपको ये मटर पनीर की सब्ज़ी बनाना सिखाने वाली हूँ। बिना किसी क्रीम, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है कि इसके सामने होटल या फिर पार्टियों की सब्ज़ी भी फेल है। अगर ये रेसिपी आपने सीख ली तो कभी भी होटल का नाम नहीं लेंगे। और एक बार अपने घर में आए मेहमानों को मेरे तरीके से मटर पनीर की सब्ज़ी बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। वो तारीफ़ तो करेंगे ही साथ रेसिपी भी लिखवा कर जाएंगे। तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो ये रेसिपी बहुत ईजी है, पर इसके एक एक स्टेप्स को बढ़िया से देखिएगा, तभी आपकी सब्ज़ी सुपर यमी बनेगी। तो बहुत हो गई बातें, अब ये शानदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो ये टेस्टी सी सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 250 ग्राम्स पनीर लिए हैं, जिन्हें क्यूब शेप में कट कर रखा है। फ्रेश मटर, देख सकते हैं मेरे मटर बिल्कुल ग्रीन वाले हैं। 3 से 4 प्याज, इसे भी मैंने क्यूब शेप में कट कर रखा है। कच्ची मूंगफलियों के दाने, इसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। 3 से 4 लहसुन की कली, 2 हरी मिर्च, 3 से 4 टुकड़े अदरक के, और खड़ा मसाला। खड़े मसाले में जीरा, इलायची, लौंग, दालचीनी सब है। और मैंने यहाँ पर 3 से 4 टमाटर लिए हैं, जिन्हें रफली चॉप कर रखा है। मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए बस हमें इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। अब सबसे पहले मैं ग्रेवी की तैयारी करूँगी, जिसके लिए मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। आप यहाँ पर कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और खड़ा मसाला। और उसी के तुरंत बाद मैंने यहाँ पर कच्ची मूंगफली और प्याज ऐड कर दिया है। इसे मैं रोस्ट कर लूँगी। कच्ची मूंगफलियों से बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है, आप इसकी जगह काजू भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर। इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी, जब तक ये सॉफ़्ट ना हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सॉफ़्ट हो चुका है, हमें बिल्कुल इसी तरीके का चाहिए। तो इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में और इसे मैं 2 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दूंगी, ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद हम करेंगे इसे ग्राइंड। देखिए ये ठंडा हो चुका है, अब बिना किसी देरी के हम इसे कर लेते हैं ग्राइंड। मैंने यहाँ पर ग्राइंडर ले लिया है और इसमें मैं कोई पानी ऐड नहीं करूंगी, अदरवाइज़ इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ख़राब हो जाएगी। हम सिंपली इसे ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ये ग्राइंड हो चुका है, इसका कलर एंड कंसिस्टेंसी दोनों ही परफेक्ट है। और जब मैंने इसे ग्राइंड किया तो इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी। तो इसे देखकर ही पता चल रहा है कि हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत ही यम्मी बनने वाली है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। जिसमें मैंने प्याज को रोस्ट किया था, उसी में मैंने ऐड कर दिया है मटर। और मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑयल का यूज़ नहीं किया है, इसे मैं लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी। देखिए ये रोस्ट हो चुका है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 ग्लास पानी और 1/2 चम्मच नमक, और इसमें बॉयल आने देंगे। देखिए इसमें अच्छा खासा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर। देखिए इस जगह पर कुछ लोग पनीर को फ्राई भी करते हैं, पर उससे क्या होता है ना, पनीर पहले की तरह सॉफ्ट नहीं रह पाता और उसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है। तो हो सके तो आप इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ये हमारी एक सीक्रेट ट्रिक है, इससे पनीर की सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो मैंने यहाँ पर कुछ देर के लिए इसे ढककर छोड़ दिया था और ये अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। तो मैं एक बार मटर को प्रेस करके देख लेती हूँ। ये देखिए पूरी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैं कर देती हूँ फ्लेम को ऑफ और इसे ऐसे ही 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ देती हूँ। अब मैंने लिया है 3 से 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, और इसमें मैं ऐड करूंगी तेज़पत्ता, 1 चम्मच जीरा, सूखी लाल मिर्च और चुटकी भर हींग। बस इन 4 इंग्रेडिएंट्स को इसमें ऐड करके इसे थोड़ा सा चटकने दूंगी। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी हमारा स्पेशल वाला पेस्ट, जो हमने पहले से ही रेडी करके रखा था, और इसे 1 से 2 मिनट के लिए कॉन्टीन्यूसली मैं मिक्स करती रहूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने टेस्ट को बढ़ाने के लिए कसूरी मेथी को भी ऐड किया है। अब मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी। अच्छी तरीके से भूनते रहना है, क्योंकि जब तक मसाले अच्छी तरीके से भूनेंगे नहीं, तब तक उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आ पाएगा।
मैं यहाँ पर एक एडिशनल मसाला भी यूज़ कर रही हूँ जो कि है मटर पनीर मसाला। आप ये पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने वो मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं जिससे बढ़िया टेस्ट आए। इसको मिक्स कर लीजिए। तो देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी। आप उसी के अकॉर्डिंग पानी ऐड कीजिएगा जितनी आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रखनी है। इसमें एक बॉयल आने दीजिए। देखिए इसमें पहला बॉयल आ चुका है, तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ पनीर और मटर और इसको आराम से मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, अदरवाइज़ ये टूट भी सकता है। इसमें ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। आप नमक कम ही ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने मटर को बॉयल करते टाइम ऑलरेडी नमक ऐड कर दिया था। मैंने इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक कर लिया था, तो ये अच्छी तरीके से पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड करी ऊपर से कोरिएंडर लीव्स। तो हमारी सब्ज़ी रेडी है। मैं इसमें लगाऊंगी एक स्पेशल वाला तड़का जिसके लिए मैंने लिया था 2 चम्मच घी और इसमें ऐड किया था 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये देखिए ऊपर से हमने लगा दिया अपना स्पेशल वाला तड़का। तो हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी अब पूरी तरीके से रेडी है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इसे सर्व। तो ये रही हमारी घर पर बनाई हुई मटर पनीर की सब्ज़ी। लग रही है ना जैसे होटल से लेकर आए हैं। इसकी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट बनी है और खुशबू भी इतनी बढ़िया आ रही है, कोई कह नहीं सकता कि आपने घर पर रखे कुछ इंग्रेडिएंट से ये शानदार सब्ज़ी तैयार की है। बिना किसी क्रीम, बिना किसी ड्राई फ्रूट्स और बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया आई है। आप इसे नान के साथ, पुलाव के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, टेस्ट बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो एक बार ये ट्राई करना तो बनता है। बाकी आप कमेंट कीजिएगा कि आपको ये आसान सी और झटपट बनने वाली रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही शानदार रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। तो कल मिलेंगे एक और न्यू रेसिपी के साथ, और आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए थैंक यू।